हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस के बारे में, एक ऐसा चैप्टर जिसमें जर्नल एंट्रीज में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो सारे जर्नल एंट्रीज में बताने वाला हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस का सिंपल मीनिंग बताता हूँ। रिडम्पशन रेफर्स टू रीपेमेंट। सो हमें रीपेमेंट करना है प्रेफरेंशियर होल्डर्स को, जो जिन लोगों ने हमारे कंपनी में प्रेफरेंशियस परचेस किए हैं। एंड देर आर सर्टन प्रोविजंस फॉर रीपेमेंट ऑफ द प्रेफरेंशियस। रिडम्पशन कैन बी मेड आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टिंग विद द बेसिक एंट्रीज। देखो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ये चार एंट्रीज तो कन्फर्म करने हैं। दैट इज नंबर वन, रिडम्पशन ड्यू। नंबर सेकेंड है एडजस्टिंग ऑफ द प्रीमियम। नंबर थर्ड है वी हैव टू क्रिएट CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। एंड नंबर फोर्थ है सेटलमेंट। तो आप छोटे से लेवल से लेके बड़े एडवांस लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको ये चार बेसिक एंट्रीज तो सॉल्व करना ही है। इसीलिए बेसिक एंट्रीज मैंने नाम दिया है। फर्स्ट इज रिडम्पशन ड्यू, सेकेंड इज एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम, थर्ड इज CRR एंड फोर्थ इज सेटलमेंट। तो ये फोर बेसिक एंट्रीज क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और सारे जर्नल एंट्रीज का बेस आपका इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस गेट रिवाइज क्विकली। देर आर फोर बेसिक एंट्रीज। नंबर वन इज रिडम्पशन ड्यू, नंबर सेकेंड इज एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम, नंबर थर्ड इज CRR एंड नंबर फोर्थ इज सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल होल्डर्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेस। फर्स्ट एंट्री इज रिडम्पशन ड्यू। देखो, रिडम्पशन ड्यू में आपको क्या करना है, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस को भी डेबिट करना है एंड प्रेफरेंशियल होल्डर्स को क्रेडिट करना है। इफ़ योर प्रेफरेंशियल कैपिटल इज 1 lakh एंड से फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम ऑन प्रेफरेंशियस इज 10%, सो 1 lakh 10% विल बी 10,000, सो टोटल पेमेंट विल बी 1 lakh 10,000। दैट इज द बेसिक एंट्री। एवरी क्वेश्चन यू हर टू पास दिस एंट्री। सेकेंड पॉइंट विल बी एडजस्टिंग प्रीमियम। सो हमें प्रीमियम को एडजस्ट करना है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 10,000 का प्रीमियम, तो पहले आप रिजर्व को यूज कीजिए। मैंने यहाँ जनरल रिजर्व लिखा है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस। यू कैन ऑल्सो यूज अदर रिजर्व कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस और एनी अदर डिफरेंट रिजर्व, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक यूज ऑफ जनरल रिजर्व। देन इफ द जनरल रिजर्व इज नॉट सफिशियंट, वी कैन मेक यूज ऑफ द अदर रिजर्व्स। ओके, दैट इज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज क्रिएटिंग ऑफ CRR। CRR, आई हैव रिटन द एंट्री ओवर हियर कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। तो जनरल रिजर्व ही लेना है, ऐसा नहीं है। एक पॉइंट नीचे आपको दिख रहा है डिविजिबल प्रॉफिट्स टू बी यूज। सो देर आर एन नंबर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स सच एज जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। तो आप ये कोई भी रिजर्व यूज कर सकते हैं, जनरल रिजर्व टू CRR ले सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस टू CRR ले सकते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि सारे रिजर्व्स हमें लेने पड़ते हैं, बट डिविजिबल प्रॉफिट्स हमें लेने हैं। डिविजिबल प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स विच कैन बी यूटिलाइज फॉर पेइंग डिविडेंड्स। तो ऐसे प्रॉफिट जो डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं, वही हम डिविजिबल प्रॉफिट को CRR के लिए कंसिडर करेंगे। स्टेप नंबर फोर जो हमारा बेसिक एंट्री का लास्ट स्टेप है, एंड दैट इज प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। नाउ वी आर गोइंग टू सेटल द प्रेफरेंशियल होल्डर्स। सो एंट्री विल बी प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1 lakh हमारा पेमेंट था, 10,000 का प्रीमियम था, तो टोटल पेमेंट हमारा 1 lakh 10,000 हो जाएगा। सो 1 lakh 10,000 यहाँ पे जो एंट्री लिखा है हमने, इसमें 1 lakh 10,000 की अमाउंट आएगी। और अगर यहाँ पे कोई प्रेफरेंशियल होल्डर्स का अनट्रेसेबल का कंसेप्ट आएगा, तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट बना के एडजस्टमेंट से कैलकुलेट करना है। बट दिस फोर आर द बेसिक एंट्रीज। आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, तो ये चार एंट्रीज तो आपको करने ही है। उसके साथ इफ वी आर इशूइंग द फ्रेश इशू ऑफ द इक्विटी शेयर्स, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अगर हम फ्रेश इशू करते हैं और फिर रिडम्पशन कर रहे हैं, तो ये आपको बेसिक एंट्री याद रखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर पार होगा तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम है तो ही सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट साइड आएगा। देर विल बी अदर एडजस्टमेंट सच एज इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। तो सिंपल बेसिक एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, तो इसलिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट लिखा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इन्वेस्टमेंट्स इज गोइंग आउट, तो इसीलिए मैंने इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट किया है। बट अगर आपके क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट या लॉस दिखे, अगर 1 lakh का इन्वेस्टमेंट 1 lakh 20 में बेचे तो प्रॉफिट होगा 20,000,
प्रॉफिट होगा तो P&L क्रेडिट, लॉस होगा तो P&L डेबिट, ये भी याद रखना है। अब कुछ एडवांस लेवल की एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। इफ़ पार्टली पेड अप है आपके क्वेश्चन में, अगर पार्टली पेड अप दिया है तो आपको कॉल पेमेंट करना है। याद रखना है आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि प्रेफरेंस शेयर कभी भी पार्टली पेड अप में रिडम्पशन नहीं हो सकता है, फुल्ली पेड अप चाहिए। तो ये दो एंट्री हमको करना है, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, सेम अमाउंट आएगा। नेक्स्ट विल बी एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग जो लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, कॉल्ड एज देयर शेयर्स विल बी फोरफिटेड, उनके शेयर्स फोरफिट हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें एंट्री पास करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। दिस विल बी ओनली इफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट पेइंग देयर कॉल पेमेंट ड्यू। ओके, नेक्स्ट विल बी द फोरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड। अगर हमने फोरफिट कर लिए शेयर्स कंपनी ने, तो वो शेयर्स कंपनी खुद के पास नहीं रखता है, उसको कंपनी रीइशू करता है, तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शनल फैक्टर। तो ये सब एडवांस लेवल के एंट्रीज है, अगर एडजस्टमेंट्स होंगे तो ही आपको करने हैं। एंड द शेयर फोरफिचर बैलेंस विल बी ऑलवेज ट्रांसफर टू अ सेपरेट रिजर्व कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व, तो उसके लिए भी आपको एंट्री करना है शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये आपको बैलेंस कैलकुलेट करना है फोरफीचर के एंट्री का और रीइशू का। फिर एक एडजस्टमेंट आता है आपके क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस मिलता है, प्रेफरेंस को कभी बोनस नहीं मिलेगा। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस के लिए दो एंट्रीज है। फर्स्ट एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर बोनस शेयर CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। अगर CRR कम पड़े तो आप बाकी का कोई भी रिजर्व यूज कर पाएंगे, तो CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। सेकेंड एंट्री विल बी इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इसमें मैंने प्रीमियम के साथ लिखा है बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर पार होगा तो बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम है तो ही टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, ध्यान रखना। ओके, दैट्स इट, दीज आर द बेसिक एंट्रीज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।